इन 2016। रैपिडो जो आज डेली की 5 लाख से भी ज्यादा राइड दे रहा है और जिसके आज 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, जो आज ओला और उबर जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को बीट कर रहा है। वो एक समय इन्हीं ओला और उबर की वजह से बैंकरप्सी के कगार पर थी। कंपनी को बचाने के लिए इनके फाउंडर्स ने 75 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया, लेकिन किसी ने भी इन्हें $1 तक नहीं दिया। जो कंपनी कभी बैंकरप्सी के कगार पर थी, वो आज कैसे ओला और उबर जैसी कंपनीज को बीट कर रही है। In 2015, Arvind Sanka, who was an IITian, he did his BTech from IIT Bhubaneswar. At beginning, he worked 3.5 years in Flipkart Logistics. After he decided to start his own business named The Carrier. Under this business, he provided a parcel service like booking a small truck to deliver your goods anywhere. Company ko expand karne ke liye, inhone 75 se bhi zyada investors ko funding ke liye pitch kiya. Ek IITian hone ke baad bhi, किसी ने भी इन्हें 1 पैसा तक नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद ट्रैवलिंग करते वक्त वो एक ट्रैफिक जाम में फंस गए और वो रहते भी बेंगलोर में थे। और अगर आप भी बेंगलोर में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ सिर्फ 5 मिनट का रास्ता ट्रैवल करने के लिए कभी कभी घंटों लग जाते हैं। वो अपना स्टार्टअप बंद करने ही वाले थे कि घर पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टार्टअप बंद होने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने अपने ट्रैफिक जाम में फंसे होने के एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर करते हुए कहा, चाहे गाड़ी अपनी हो या भाड़े की, टाइम तो उतना ही लगता है। ये सुनते ही उनके दोस्तों ने उन्हें बाइक लेने की सलाह दी और ये बात सुनते ही उनके दिमाग में एक नए स्टार्टअप का आइडिया आया, जो था बाइक सर्विसेज का, जिसका नाम उन्होंने रखा रैपिडो। जिसके बाद उन्होंने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर रैपिडो की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में कस्टमर के बिहेवियर को जांचना शुरू करा और उन्होंने ये पाया कि वहां के लोग मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले वो लोग जिनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और दूसरे वो जो हर जगह अपने पैसे बचाने की सोचते थे। दूसरी कैटेगरी के लोगों को हमेशा 2 तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, पहली पैसों की तंगी और दूसरी ट्रैफिक जाम की वजह से काम पर लेट। इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल उन्होंने निकाला अपने इस नए स्टार्टअप रैपिडो से। पहला तो इनकी बाइक सर्विसेज ओला और उबर की कैब से काफी अफोर्डेबल थी और दूसरा बाइक कैब के मुकाबले लोगों को उनके काम पर बहुत ही जल्दी पहुंचा देती थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रैपिडो को लॉन्च किया। लॉन्च के पहले महीने में उन्हें 10,000 डाउनलोड मिल गए। रैपिडो के लॉन्च के 3 महीने बाद ही ओला और उबर ने भी अपनी बाइक सर्विसेज शुरू कर दी, जिससे कि एक बार फिर द कैरियर की तरह रैपिडो भी बैंकरप्सी के कगार पर आ गया था और ओला और उबर के पास इतने फंड्स थे कि अगर वो 1 साल तक अपनी सर्विसेज को फ्री में चलाते तब भी ये सर्वाइव कर जाते, लेकिन अगर ये लोग ऐसा करते तो रैपिडो की द कैरियर की तरह बैंकरप्ट हो जाती। देखते देखते रैपिडो के फंड्स खत्म होने लगे। रैपिडो को बचाने के लिए एक बार फिर उनके फाउंडर्स ने इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू किया, लेकिन सारे इन्वेस्टर उनसे एक ही सवाल पूछते थे कि तुम ओला और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को कैसे बीट करोगे, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। कट टू 2016, रैपिडो बंद होने ही वाला था कि तभी इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक रियल लाइफ सुपर हीरो की, पवन मुंजाल, जो कि हैं हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन। उन्होंने अरविंद को अपने पर्सनल फंड में से कुछ पैसे दिए और दी एक एडवाइस, फोकस ऑन पेस्ट्री नॉट ऑन अ केक। उनका कहना था कि फोकस ऑन स्मॉल सिटीज नॉट ऑन अ बिग सिटीज बिकॉज ओला एंड उबर ऑलरेडी डोमिनेटिंग द मार्केट इन बिग सिटीज। उनकी ये एडवाइस सुनने के बाद रैपिडो ने अपनी कुछ नई स्ट्रेटजीज पर काम करना शुरू किया। उनकी इन नई स्ट्रेटजीज की वजह से उनकी ग्रोथ दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगी। तो चलिए फिर बात करते हैं इनकी इन नई स्ट्रेटजीज पर, जिन्होंने रैपिडो को द कैरियर की तरह बैंकरप्ट होने से बचा लिया। लोकल इकोसिस्टम। छोटे शहरों में लोग ट्रैवलिंग के लिए मेनली 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पहली बस और दूसरी ऑटो। लेकिन इन दोनों ट्रांसपोर्ट के तरीकों में लोगों को 2 तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, बसों में भीड़ और ऑटो में गुंडाराज यानी हाई चार्जेस। बट दे यूज दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव नो अदर चॉइस। उन्होंने देखा Tier 1 और Tier 2 सिटीज में 2 तरह के लोग थे जिनकी प्रॉब्लम्स को वो लोग सॉल्व कर सकते थे। पहले वो लोग जिनके पास बाइक्स हैं और वो लोग एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो ट्रांसपोर्ट में एक अच्छा और किफायती तरीका ढूंढ रहे थे।
रैपिडो ने बहुत ही कम सिटीज पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने वहां अपनी बेस्ट सर्विसेज दी। और वहीं ओला और उबर बड़ी बड़ी सिटीज में मार्केट कैप्चर करने में लगी रही, जबकि असलियत में बाइक राइड्स की जरूरत छोटे छोटे शहरों में थी। अपनी इन्हीं स्ट्रेटेजीज की बदौलत रैपिडो ने सिर्फ 2 सालों में ही 10 गुना की ग्रोथ हासिल की। तो दोस्तों, आपने अरविंद सांका के बारे में तो जान लिया, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद रैपिडो जैसी मल्टी मिलियनर डॉलर कंपनी खड़ी करी। ऐसी ही एक और पर्सनैलिटी है जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में $300 से स्टॉक मार्केट में स्टार्ट किया और आज $150 बिलियन मैनेज करने वाली कंपनी खड़ी करती है। अगर आपको इनके बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।